बेसिकली दीज आर द हेडिंग्स फॉर एनी क्लिनिकल कंडीशन. किसी भी क्लिनिकल कंडीशन की हेडिंग होती है, डेफिनेशन, कॉजेस, स्टेजेस या पैथोफिजियोलॉजी आप ज्यादा बोलोगे, देन क्लिनिकल फीचर एंड देन ट्रीटमेंट. सो हियर ऑल्सो वी आर डूइंग द ऑन द सेम हेडिंग. ये हमने डायग्राम से एक्चुअली किया था, अगर तब नहीं दिखाओ तो आपको दिख ही रहा होगा. सो वी आर हैविंग की डेफिनेशन, कॉजेस, स्टेजेस, क्लिनिकल फीचर एंड ट्रीटमेंट. वी हैव डन डिफरेंट कॉजेस फ्रॉम हियर. दिस इज कार्डियोजेनिक, दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, दिस इज हाइपोवॉल्यूमिक. हाइपोवॉल्यूमिक के भी हमने तीन किए थे, बर्न, सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया, देन हीमोरेजिक शॉक. हीमोरेजिक के भी हमने तीन किए थे, ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन इन द फीमेल्स, एक्सीडेंट एंड फ्रैक्चर एंड सर्जरी. समटाइम्स द क्वेश्चन इज हीमोरेजिक शॉक, तो आपको ये वाला करना है. जब क्वेश्चन होगा आपका कार्डियक फेलियर, तो आपको इस साइड के सारे कॉज लिखना है जो हम अगले में करेंगे. फिर वी आर हैविंग फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो वी आर हैविंग सम सीवियर इन्फेक्शन और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और एनेस्थीसिया एंड सम एलर्जी, एंड दे कैन ऑल्सो कॉज शॉक बिकॉज दे कॉजेस डायलिटेशन ऑफ वेसल्स. सो एक्चुअली तो हाइपोक्सिया को भी इसी तरह से निकाला जाता है और इसको भी इसी तरह से. देखिए वही है डायग्राम. सो डेफिनेशन ये हो गई, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू बॉडी सेल्स. बट यहाँ पे आप ये मत भूलिए, वाइटल ऑर्गन्स लिखना जरूरी है. बाकी सेल्स को तो टाइम टू टाइम कम ब्लड जाता ही है. एंड देन वी आर हैविंग दीज सेवन कॉजेस, कार्डियोजेनिक, हाइपोवॉल्यूमिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म, सेप्टिक, न्यूरोजेनिक एंड एनाफाइलेक्सिस. स्टेजेस आपको मेनली कवर करना है इस साल. एंड कंपनसेटेड या कंपनसेटेड को नॉन प्रोग्रेसिव शॉक भी बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म डोमिनेटिंग एंड नॉट अलाउइंग शॉक टू प्रोग्रेस, दैट्स व्हाई. अदरवाइज शॉक की बेसिक टेंडेंसी होती है अनकंपनसेटेड या प्रोग्रेसिव. शॉक लीड शॉक एंड इट प्रोग्रेसेस. तो अगर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट डोमिनेटिंग, देन द शॉक प्रोग्रेसेस. ऑल्दो अनकंपनसेटेड में भी वी आर हैविंग टू स्टेजेस, रिवर्सिबल, जिसमें राइट थेरेपी कैन ब्रिंग द पेशेंट बैक टू कंपनसेटेड, बट देन इफ द थिंग्स आर लेट इरिवर्सिबल वेयर द पेशेंट कैन नॉट बी सेव्ड. सो ये हमने किया था बेसिकली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स स्टार्ट विच ट्राई टू रिकवर द पेशेंट इफ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज मोर देन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. कंपनसेटेड शॉक जिसमें पेशेंट अपने आप रिकवर हो जाता है, बट वी आर हैविंग पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. इन द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म वासोमोटर सेंटर एक्टिविटी डिक्रीजेस विच डिक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ हार्ट एंड दिस विशियस साइकिल स्टार्ट्स. एंड डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ हार्ट ऑल्सो अफेक्ट कैपिलरीज, कैपिलरी फ्लो, कैपिलरी ब्लॉकेज. एंड कैपिलरी ब्लॉकेज कैन कॉज सेल्स इशीमिया और नेक्रोसिस. स्पेशली नेक्रोसिस हो जाता है तो नेक्रोटिक मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल, इट विल रिलीज इन द सर्कुलेशन एंड कैन फर्दर डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ शॉक. सो दिस इज अनादर पॉजिटिव फीडबैक साइकिल. So these positive feedback cycle leads that shock leads shock. Vicious cycle start. And if this cycle dominate, negative feedback mechanism से positive feedback mechanism ज्यादा strong हो जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं uncompensated stage. लेकिन uncompensated stage की भी दो part हैं, reversible and irreversible. In the reversible, right therapy can bring the patient back to compensated. तो ये आपको डायग्राम है केवल. एक्चुअली मेरा कोशिश तो है कि आप ये दो डायग्राम केवल दिमाग में रखिए एंड आई थिंक यू कैन मेक आउट एवरीथिंग. देख सकते हैं आप, ये कंपनसेटेड स्टेज में वी आर हैविंग कंपनसेटरी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. इसमें सारी ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म के आप नाम लिख सकते हैं, एटलीस्ट 4 शॉर्ट टर्म नर्वस रिफ्लेक्सेस, 3 इंटरमीडिएट टर्म एंड 2 लॉन्ग टर्म. तो ये ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होती है. एक कॉलम, ये वाले कॉलम में है शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म और इस कॉलम में है लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म. ऑल द नेम्स, केवल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं, नेम ऑफ ऑल दीज मैकेनिज्म शुड बी रिटन. एंड दीज मैकेनिज्म्स दे आर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. तो ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म्स के नाम आपको लिखना है. लॉन्ग टर्म में चाहो तो आप यहां आके रुक सकते हो, बट बेसिकली यू कैन राइट ऑल. लेकिन एटलीस्ट यहां तक की तो सारी मैकेनिज्म आपको लिखना है. लॉन्ग टर्म में किडनी एंड हार्मोन्स, स्पेशली एंजियोटेंसिन 1, और शॉर्ट टर्म की तो सारी मैकेनिज्म के नाम लिखना ही है. दीज मैकेनिजम्स आर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिजम्स विच ट्राई टू रिकवर द पेशेंट. बट देन वी आर हैविंग अ अनकंपनसेटेड या डीकंपनसेटेड शॉक, प्रोग्रेसिव शॉक, जिसमें शॉक लीड्स शॉक, पॉजिटिव फीडबैक या विशियस साइकिल स्टार्ट. वी हैव सीन
टू इंपॉर्टेंट विशेष साइकिल, वन बिटवीन वासो मोटर सेंचर एंड हार्ट, एक विशेष साइकिल ये हो जाती है, एंड वन विशेष साइकिल बिटवीन हार्ट एंड नेक्रोटिक सेल, तो एक विशेष साइकिल ये हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस विशेष साइकिल शॉक लीड्स शॉक, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट से रिकवरी अब भी पॉसिबल है, लेकिन अब बहुत अगर लेट हो गया देन दिस इट इज टू लेट फॉर एनी रिकवरी, ट्रीटमेंट कैन ओनली डिले द डेथ, इट इज इरिवर्सिबल स्टेज। इस तरह के टेबल्स बने होते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि दो इंपॉर्टेंट विशेष साइकिल को आप एक्सप्लेन कर दें अपनी स्टाइल में, दैट इज मोर देन सफिशियंट। एक्चुअली वही सब शो किया गया है यहाँ पे, वासो मोटर सेंटर, ये डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ ब्रेन है, दिस इज कार्डियक डिप्रेशन, ये टिश्यू इशीमिया, रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स, सो सेम थिंग इज रिटर्न, बट आई सजेस्ट कि वो दो विशेष साइकिल आप अपनी स्टाइल में एक्सप्लेन कर दें एग्जाम में, दैट विल बी मोर देन सफिशियंट एंड इट विल बी अ इम्प्रेसिव आंसर। क्लिनिकल फीचर अगर हम देखें तो भी इससे निकाल सकते हैं, क्लिनिकल फीचर भी वाइटल ऑर्गन अफेक्टेड हैं तो उन्हीं से रिलेटेड आएंगे, फॉर एग्जाम्पल एट द लेवल ऑफ हार्ट व्हाट कैन बी द क्लिनिकल फीचर, सो देयर विल बी टैकिकार्डिया, कंपनसेटरी पल्स ज्यादा मिलेगी, लो वॉल्यूमिक पल्स मिलेगी लेकिन टैकिकार्डिया होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, देन लंग्स के लेवल पे इंक्रीज रेस्पिरेशन होगा, किडनी के लेवल पे अगर हम देखें तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगा, बहुत ही ज्यादा कम यूरिन आउटपुट होगा, देन ब्रेन के लेवल पे देखें तो पेशेंट विल बी मे बी अनकॉन्शियस आल्सो, मे बी वेरी रेस्टलेस, सो पेशेंट मे बी वेरी रेस्टलेस एंक्शियस, तो ऑल दीज आर, अगर आप स्किन के लेवल पे देखें तो स्किन में अगर ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो स्किन विल बी हैविंग पेलोर, स्किन थोड़ी वाइटिश या इवन साइनोसिस में भी देयर, कोल्ड होगी स्किन तो स्किन विल फील, आप जैसे पेशेंट को टच करेंगे तो स्किन कोल्ड फील होगी, इट मे बी पेल, इट मे बी ब्लू और साइनोटिक, तो दीज आर क्लिनिकल फीचर्स, तो वी आर हैविंग क्लिनिकल फीचर लाइक दिस। अगर हम देखें तो हार्ट के लेवल पे इंक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, लंग्स के लेवल पे इंक्रीज रेस्पिरेशन, ब्रेन के लेवल पे द पेशेंट विल बी रेस्टलेस, इंक्रीज थर्स्ट, किडनी के लेवल पे डिक्रीज यूरिन आउटपुट, स्किन विल बी कोल्ड पेल एंड साइनोटिक, और अल्टीमेटली तो जीआईटी, लीवर, लंग, एवरीवेयर नेक्रोसिस स्टार्ट, तो लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम, जीआईटी रिलेटेड प्रॉब्लम, पूरी बॉडी में ही नेक्रोसिस चालू हो जाएगा, तो इनमें से कोई भी आप चार पांच क्लिनिकल फीचर लिख सकते हैं। व्हाट ट्रीटमेंट यू विल डू, आपके पास कोई शॉक का पेशेंट आया, ये पेशेंट आया आपके पास, मान लिया शॉक की वाली कंडीशन में है, क्या करेंगे आप, कॉज पता नहीं लगे लगे उसके पहले, पूरी बॉडी में शॉक हुआ है, पूरी बॉडी का ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो यहां से पहला आप कर सकते हैं, यू कैन एलिवेट द लेग, लेग एलिवेशन कर दें तो ब्लड प्रेशर थोड़ा रेज होगा, पैर को थोड़ा उठा दें, पैर के नीचे तकिया लगा दें, आप तुरंत उसको आईवी लाइन लीजिए, इंट्राकैट डाल दीजिए, और आईवी लाइन से वी कैन इमीडिएटली वॉट एवर मे बी द कॉज, किसी तरह का भी शॉक हो, वी कैन स्टार्ट स्टेरॉइड्स, इमरजेंसी कंडीशन में हम वी कैन कीप ऑन गिविंग स्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन या जो भी स्टेरॉइड या कॉर्टिसोल है उसके हम इंजेक्शन लगाते जा सकते हैं वन आफ्टर अदर, एंड सो मेनी टाइम्स इट कैन सेव द लाइफ, इट इज हैविंग मल्टीपल मैकेनिजम्स, लाइसोसोम को स्टेबिलाईज करता है, हार्ट की एक्टिविटी बढ़ाता है, कंप्लीटली वी डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट इट इज लाइफ सेविंग इन शॉक कंडीशन, तो वी कैन टेक द आईवी लाइन एंड वी कैन स्टार्ट स्टेरॉइड के इंजेक्शन हम स्टार्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन गिव ऑक्सीजन टू द पेशेंट, तो ये जनरल चीज है जो आपको किसी भी पेशेंट में देना है। कई बार वेन्स मिलती ही नहीं है, शॉक के केस में वेन्स कोलेप्स हो जाती है, तो फिर हम नेक में सेंट्रल लाइन डाल देते हैं, ये तो जरूर मिल जाएगी, ये कोलेप्स नहीं हो सकती, तो सो मेनी टाइम्स यू विल नॉट फाइंड, आपके पास सिस्टर दौड़ती हुई आएगी, बोलेगी कि डॉक्टर चलिए मुझे तो वो इंट्राकैथ मिल ही नहीं रहा है, कैसे आईवी लाइन डालें, एंड देन डॉक्टर गोज एंड ही पुट अ कैन्यूला इन द नेक वेन्स, नेक वेन्स में तो इतनी बड़ी वेसल्स होती हैं या आर्टरीज होती हैं उनको कैन्यूलेट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल वेनस लाइन, तो सीवीपी लाइन में भी नीडेड, लेकिन स्टेरॉइड देना है, लेग एलिवेशन करना है, ऑक्सीजन देना है, इसके बाद आपका ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कॉज पे, तब तक आप कॉज पता लगा लीजिए, अगर सेप्टिक शॉक है आप एंटीबायोटिक दीजिए, अगर बैक्टीरिया है, अगर वायरस है एंटीवायरल, अभी कोविड में एंटीवायरल दे रहे हैं,
अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक है तो किस चीज से एलर्जी हुई है उस चीज को तुरंत हटा देना है। और कई एलर्जिक सब्सटेंस के एंटीडोट भी होते हैं, अगर एंटीडोट है तो एंटीडोट देना है। अगर न्यूरोजेनिक शॉक है तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का इलाज करना है। अगर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में मे बी बर्न अगर है तो बर्न में प्लाज्मा की कमी होती है तो हम प्लाज्मा देंगे। अगर वॉमिटिंग डायरिया है तो हम सलाइन देंगे। अगर हिमरेजिक शॉक है तो वी विल गिव ब्लड। तो केवल ब्लड चालू करना ही आंसर नहीं है, ये वाला ट्रीटमेंट टोटल डिपेंड करेगा कॉज ऑफ द शॉक। जबकि ऊपर वाला जो आपका है, ऊपर वाला कॉमन ट्रीटमेंट है, एवरी पेशेंट में लेग एलिवेशन होना चाहिए, स्टेरॉइड देना है, ऑक्सीजन देना है। नीचे वाला जो है वो नॉन स्पेसिफिक या स्पेसिफिक है डिपेंडिंग अपॉन द कॉज। तो यू कैन सी हियर रिप्लेसमेंट थेरेपी, हीमरेजिक शॉक है तो ब्लड देंगे, बर्न है तो प्लाज्मा देंगे। कई बार प्लाज्मा अरेंज करने में काफी टाइम लग जाता है तो वी कैन गिव प्लाज्मा एक्सपांडर, आर्टिफिशियल प्लाज्मा जिसको हम बोलते हैं डेक्सट्रान। एंड देन अगर कार्डियोजेनिक शॉक है तो हम ऐसी ड्रग दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिजिटेलिस, विच इंक्रीजेस हार्ट कॉन्ट्रेक्शन, जिनको हम बोलते हैं सिंपेथोमाइमेटिक ड्रग्स। तो कार्डियोजेनिक शॉक में सिंपेथोमाइमेटिक ड्रग, एंड सेप्टिक शॉक में एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल। ये दुनिया